फ्रेंड्स अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, गाड़ी निकाल ली है, चल रहे हैं अब यहाँ से। तुलसी मानस मंदिर का डेस्टिनेशन डाल दिया है और 15 मिनट दिखा रहा है हमारे होटल से। चलिए दिखाते हैं आपको रास्ते और चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स हम लोग अपना उधर से आ रहे हैं होटल की तरफ से, महमूरगंज रोड है ये, और यहाँ से हम तुलसी मानस मंदिर चलेंगे। और यही रोड हम विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी जाती है, कल इसी रोड से गए थे हम लोग। और आगे से हम लोग राइट लेंगे, बड़ी गैबी रोड होके आगे से जाना है, तो चलिए वहाँ पे चलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। आगे हाँ, थोड़ा सुबह सुबह निकले हैं तो जाम इस रोड पे थोड़ा कम है, कल तो बिल्कुल चलने वाला नहीं था यहाँ पे, हम लोग ई रिक्शा करके गए थे। तो अभी चलते हैं आगे से, राइट लेना है, दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इतनी पतली पतली गलियों से आपको जाना पड़ेगा, अंदर ही अंदर एक्चुअली कोई एक रोड जा रही है, तो उधर ही हम लोगों ने शॉर्टकट लिया है थोड़ा, बट अवॉइड करिएगा शॉर्टकट क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी फिर भी चल जा रहा है, बट नॉर्मल टाइम पे आप यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होगा। अभी शॉप्स भी क्लोज्ड हैं ज़्यादातर, मार्केट एरिया है एक्चुअली ये बीच में। ये कश्मीरी गंज रोड है ये, तो इधर से अवॉइड करिएगा आना अगर आप पीक ट्रैफिक में आ रहे हैं, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं तो आ सकते हैं। तो ये दोस्तों दुर्गा मंदिर का कुंड है, ये आगे देख सकते हैं लाल वाला मंदिर दुर्गा मंदिर है, और इसी के पीछे तुलसी मानस मंदिर है। तो ये है दुर्गा मंदिर, तो यहाँ से अभी लेफ्ट लेना है, इसी के पीछे हमको बताया गया किसी ने, इसमें गूगल में तो आगे दिखा रहा है, बट यहाँ से मैं लेफ्ट लूंगा, दिखाते हैं आपको आगे। फ्रेंड्स हम लोग तुलसी मानस मंदिर पहुंच गए हैं और ये देख सकते हैं गाड़ी को यहाँ पार्क किया है, यहाँ पे पार्किंग है, 50 रुपये चार्ज है। तो अब मंदिर अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये पीछे पार्किंग एरिया है, मैंने आपको बताया गाड़ी को वहाँ पार्क किया है, और अभी चलते हैं तुलसी मानस मंदिर, दर्शन करेंगे फिर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद ले लिया और आपको चप्पल भी यहीं उतारना है फ्रेंड्स, ये देखिए, और उसके बाद प्रसाद लेंगे फिर अंदर, हम अंदर में अंदर चलेंगे दिखाते हैं। ये मंदिर गार्डन्स काफी अच्छी, तो अंदर आ गए हैं और प्रसाद ले लिया है हम लोगों ने, अंदर चलेंगे दर्शन करेंगे, काफी बढ़िया मंदिर है और गार्डन्स काफी अच्छे हैं। ये देखिए देख सकते हैं काफी बढ़िया मंदिर है, सामने भगवान जी की मूर्ति और ऊपर फ्लोर भी है। तो ये देखिए अभी चल रहे हैं दर्शन करेंगे फिर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भगवान राम जी, सीता जी और सीताराम, लक्ष्मण और बजरंगबली, राम दरबार हैं, और देख सकते हैं ये देखिए मंदिर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांति आपको मिलेगी यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया मंदिर है। तो वाराणसी आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, और फर्स्ट फ्लोर पे भी है, तो जाने का रास्ता उस साइड से है, स्टेयर से, एंड ऊपर आप देख सकते हैं तुलसीदास जी का बना हुआ है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मंदिर है, आप आइए ज़रूर यहाँ पे, तो भगवान राम जी का मंदिर है और आके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, वो पीसफुल है काफ़ी। तो अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और चलेंगे, फर्स्ट फ्लोर आप जा सकते हैं यहाँ से, इधर से, और अभी हम लोग बाहर आ गए हैं फ्रेंड्स दर्शन करके। तो चलिए तो चलते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं कितना पतली रोड है यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं खाली कुआं जगह का नाम है, और जगमबाड़ी करके है वाराणसी, लक्ष्मण मिष्ठान भंडार मेरे राइट साइड में, और यहाँ पे पार्किंग लगी हुई है सबकी। तो रोड पे बहुत पतली रोड है एक्चुअली, और रोड पे एकदम पार्क किया हुआ है गाड़ियों को, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा वो हो रहा है। दोस्तों हम लोग निकल के आए हैं किसी तरह से, और यहाँ से जो एक राइट में एग्जिट दिखा रहा था तो वहाँ से लेना पॉसिबल नहीं था, बहुत पतली गलियों में से। अभी हम लोग आगे आ चुके हैं और सारनाथ की तरफ चल रहे हैं, और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, जितना भी आप अपनी गाड़ी अवॉइड कर सकते हैं करिए, पब्लिक कन्वेंस यूज़ करिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, और आज एक कोई एग्ज़ाम था उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब यहाँ से हमको राइट लेना है, गूगल के भरोसे ज़्यादा मत रहिएगा क्योंकि बहुत पतली गलियों से निकलना होता है, तो वहाँ पे क्या है कि कभी भी ट्रैफिक जाम लग सकता है। तो हम लोग आगे आ गए हैं, ये देखिए यहाँ से रामनगर वाली रोड पे हैं, रामनगर राजघाट और पड़ाव, इसी तरफ हमें आगे जाना है, आगे से फिर रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे, हमारे पैरेलली लेफ्ट साइड में रेलवे लाइन चल रही है, तो वहाँ से हम राधा बाजार रोड की तरफ जाएंगे 1 किलोमीटर, यहाँ से आगे से लेफ्ट लेना है, और ट्रैफिक आप देख सकते हैं, बट ये फिर भी थोड़ा नॉर्मल है, आगे तो और भी ज़्यादा था पीछे जहाँ से हम लोग आए हैं, तो आगे जैसा होगा दिखाते हैं। ये राइट साइड में बड़ी बाजार रोड है इधर से, और संजय गांधी पार्क भी है आगे से राइट में, इस रोड बड़ी बाजार रोड से आप आगे जाएंगे तो हम लोग स्ट्रेट चलेंगे एंड लेफ्ट लेंगे आगे, यहाँ से हमारा 5.9 किलोमीटर है। तो परफॉर्म कर रहा हूँ आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट लेके हमें क्रॉसिंग क्रॉस करनी है। अच्छा अच्छा ठीक, और ये देखिए यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं, ये हमारा सारनाथ के लिए हम लोगों को चलना है, यहाँ से 5 किलोमीटर है, और ये एक्चुअली ट्रैफिक नहीं था, ये हमारा जो रेलवे लाइन का क्रॉसिंग का ट्रैफिक जाम था, कहीं से भी कोई भी आ जाता है गाड़ी से, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, वो थोड़ा और ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं केओस, तो चलते हैं फिर आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें राइट लेना है, ये राइट वाली जो रोड है ये पंचकोशी रोड है हमारी, तो अब यहाँ से राइट चलेंगे, ये वाली पंचकोशी रोड होते हुए यहाँ से 3.8 किलोमीटर है सारनाथ, तो पीछे की तरफ जो रोड गई है वो महालक्ष्मी मंदिर है उधर। अच्छा, पीछे की तरफ महालक्ष्मी मंदिर है, और हम लोग इस तरफ चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नैरो रोड्स हैं यहाँ पे भी, बीच बीच में आपको मिल जाएंगी, ये वाली थोड़ी ठीक है, तो इसी तरीके के रोड्स मिलेंगे आपको ओवरऑल, तो इसीलिए मैं बार बार यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी गाड़ी से हैं तो गाड़ी को होटल पे ही रखें, और या तो टैक्सी कर लीजिए या तो पब्लिक कन्वेंस से, जैसे भी आप वैसे ही ट्रैवल करिए सिटी में, आप कहीं पे भी जाना हो। और तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे, सीधे अगर आप जाएंगे तो कपिल धारा और सलारपुर, तो हम लोग लेफ्ट चल रहे हैं यहाँ से, ये कोई थोड़ी मेजर रोड है इसलिए वाराणसी की, फिर स्पार्टन रोड की तरफ हमें जाना है, आई थिंक यही है, तो ये गूगल मैप में आप देख सकते हैं। और
यहाँ पे थोड़ा सफाई का काम है, काफी मैं देख रहा हूँ चल रहा है। यहाँ प्राचीन शीतला माता मंदिर है आगे, तो ये आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन शीतला माता मंदिर, यहाँ से हमें स्ट्रेट चलना है एकदम सारनाथ के लिए, और यहाँ से 1.7 किलोमीटर से, तो चलते हैं दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग इधर आ गए हैं, हम लोग आ गए हैं, देखिए यहाँ पे सारनाथ स्टेशन भी है आगे, और ये गेट थोड़ा सा बना हुआ है, पिलर्स लगे थे दोनों साइड में। तो ये हमारा ये रोड सारनाथ स्टेशन, और सारनाथ रोड ही है एक्चुअली ये, और यही रोड आजमगढ़ और जौनपुर के लिए भी जाती है आगे से। तो ये मेन हाईवे है सारनाथ के लिए, और यहाँ से सारनाथ अप्रॉक्सीमेट 900 मतलब 1 किलोमीटर आप मान लीजिए, जहाँ से गेट से हम एंट्री करते हैं वहाँ से मेन। ये दोस्तों यहाँ से राइट में है सारनाथ टेम्पल, और बाकी आप देख सकते हैं ये देखिए बोर्ड लगा हुआ, तो भगवान बुद्ध को डेडिकेटेड है ये। और यहाँ से सारनाथ टेम्पल है 1.5 किलोमीटर, तो अभी आगे चलते हैं। एक्चुअली मुझे लगा यहाँ मैंने मार्क किया था, बट यहाँ से भी अभी 1.5 किलोमीटर और आगे है, तो आगे आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा सारनाथ रेलवे स्टेशन है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, यहीं पास में था तो हम लोग इधर आ गए थे।